आचार्य जी, जब आप ये बात कह रहे थे तो मुझे याद आया, खास तौर से इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग टमाटर की बात करने जब पूछने जाते हैं तो कुछ लोग यही बोलते हैं, आप टमाटर 200 रुपए किलो की बात कर रहे हैं, यहाँ 370 हट गई, देखिए इतने बड़े बड़े काम हो गए देश में और आप इस छोटी सी महंगाई में उलझे हुए। वो सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मोदी विल रिपीट, सब कुछ ठीक होगा। क्या हमारा आप कह रहे हैं मोदी रिपीट होंगे, ये बताइए आप 2024 का भविष्य कथन कर रहे हैं। मैं हाँ तो मैं क्या होगा भविष्य में 2024 में अच्छा होगा आचार्य जी? क्या आपने मोदी जी का जिक्र किया? मैं आ रहा हूँ एक मिनट आ रहा हूँ। आपने मोदी जी का जिक्र किया, आप मतलब ये कह रहे हैं कि 2024 में फिर प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे? बिल्कुल बनना भी चाहिए, नहीं चाहिए आज। और जो विपक्ष ने कह दिया विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है और इंडिया जो एक तरीके पर, आपको नाम कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा इंडिया नाम, आपको अच्छा नहीं लग रहा? क्योंकि देश का नाम है, उसको गठबंधन से नहीं जोड़ना चाहिए। फिर ऐसे तो तमाम योजनाओं के नाम भी फिर उस पर नहीं रखने चाहिए? ये गठबंधन करना तो नहीं रखना चाहिए। देखिए राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे हैं, आप आशीर्वाद नहीं दे रहे उनको, प्रियंका गांधी को आशीर्वाद नहीं दे रहे। वो मैं बहुत बहुत कुंडली मुझसे मत करवाइए, सब ठीक ठाक है। मोदी जी को आशीर्वाद नहीं दे रहे राकेश जी, मैं संगीता जी आपसे, आपके साथ मोदी जी मेरे मित्र हैं, मित्र पर तो प्रेम करने चाहिए। संगीता जी, गुरु जी इतना वैमनस्य, इतना झगड़ा, क्या परिणति है इस? परिणति अच्छी होगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन लेकिन शाम तो कोई हो नहीं रहा है ना जी, हर पक्ष अपनी बात पे अडिग है, तो इसमें तकरार और झगड़ा ज्यादा ही बढ़ेगा आगे। क्या संगीता जी मेरी बात सुनिए, यदि मैं प्रश्न से डर नहीं रहा हूँ और कथा को भी कहेगा फिर भी मैं डर नहीं रहा और मुस्कुरा कर उत्तर दूंगा। मेरा देखिए मेरा कहना यह है कि समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, सब कुछ ठीक होगा, भारत भगवान का है और इसका भविष्य भगवान के ऊपर निर्धारित है, भगवान इसके उत्तरदायी हैं, सब कुछ भारत में मंगल होगा। भारत देखिए अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा हो गया, व्हाइट हाउस में कभी भी दुर्गा सप्तशती की गूंज नहीं होती थी, अब होने लगी, और पूरे विश्व, अभी मैंने फिजी जाके आया और सिंगापुर, पूरे विश्व में अब रामत्व बुलंदी पर आ रहा है, भारतीयता का सम्मान हो रहा है पूरे विश्व में, अब सब लोग हम लोगों को एक अच्छी दृष्टि देखने लगे, मोदी के नेतृत्व को लोग सराहने लगे, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उन्हें वास कह डाला। अब क्या चाहिए आपको, हमको तो प्राउड करना चाहिए। महाराज आपको सुनकर लग रहा है कि भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा है, कोई सरकार का प्रवक्ता? ऐसा ये धर्माचार्य के लिए उचित है? नहीं नहीं, धर्माचार्य जो उचित हो वही धर्माचार्य शब्द बोलते हैं। आप मुझे बोलने दीजिए जो कुछ उचित तो हो वही धर्माचार्य को बोलना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। क्या 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 वेदव्यास पांडवों के प्रवक्ता थे? पर पांडवों का धर्म था तो धर्म का साथ दे दिया। उस वक्त लोकतंत्र नहीं हुआ करता था महाराज जी, सब लोकतंत्र था, जो 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 नीति कुछ भाखो भाई तुम भर जो भय बिस्राई, देश संविधान से नहीं चलता था उस वक्त, संविधान से चल रहा है, संविधान से चलता था। मनुस्मृति आपने पढ़ा, मनुस्मृति का संविधान था भारत में उस समय भी।